नवा बाजार प्रखंड में सूचना अधिकार अधिनियम 2005 की धज्जियां उड़ाई जा रही है। जानकारी के लिए सूचना अधिकार कार्यकर्ता को हर रोज कार्यालय में दौड़ाया जाता है, इसके बावजूद उन्हें रिपोर्ट नहीं दी जा रही है। उक्त बातें समाज सेवी प्रिंस कुमार गौरव ने कही। प्रखंड क्षेत्र रबदा गांव निवासी प्रिंस कुमार गौरव के द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत 26 फरवरी को 14वें वित्त मद से प्रखंड के क्षेत्र के सभी पंचायतों में कराए गए लघु जल नल योजना निर्माण की जानकारी मांगी थी, जिसमें पंचायत वार मूल अभिलेख, ग्राम सभा की पंजी, कराए गए कार्य की मापी पुस्तिका व पलामू उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी की ज्ञापन, 11 ग्राम पंचायत दिनांक 9 जनवरी की सत्यापित प्रतिलिपि की मांग की गई थी, लेकिन समय बीतने के बावजूद भी सूचना अधिकार अधिनियम के तहत जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गई। इस बाबत प्रखंड कार्यालय में जानकारी लेने पर सूचना उपलब्ध कराने के बदले 1200 रुपए की मांग की गई थी, जो मांगी गई सूचना के तहत आने वाले खर्चा में शामिल है। इस बाबत प्रिंस कुमार गौरव ने बताया कि राशि प्रखंड नाजिर को 4 माह पूर्व नगद उपलब्ध करा दिया गया था, इसके बावजूद भी सूचना उपलब्ध नहीं कराया गया। इसे लेकर हर रोज प्रिंस कुमार प्रखंड कार्यालय की दौड़ लगा रहे हैं। कुमार ने कहा कि अगले 2 दिन के अंदर सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई तो प्रथम अपीलीय पदाधिकारी उप विकास आयुक्त के समक्ष अपील किया जाएगा। विदित हो कि पंचायत को प्राप्त 14वें वित्त की राशि से जरूरत को समझते हुए नियामकुल पेयजल की व्यवस्था की जानी थी। पंचायत राज पदाधिकारी की ओर से 9 जनवरी को ज्ञापन 11 के तहत सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी को आवश्यक कार्रवाई को सूचनार्थ पत्र प्रेषित की गई थी। गढ़वा, पलामू और लातेहार जिला की ताजा तरीन खबरों के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और बेल आइकन को दबाएं।